एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन हम पढ़ चुके थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी पांच टाइप की होती है, जिसमें से हम पढ़ रहे थे टाइप वन। टाइप वन क्या था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए ये है, यहाँ डेल्टा प्लस होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, ये इधर जाता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, तो यहां पर क्या होता है? माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, अगर ये कायरल बना तो ये कैसा बनता है? रेसमिक, आपको बताया था रेसमिक मिक्सचर बनता है कि अगर ये कायरल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये रेसमिक मिक्सचर बनता है अगर कायरल होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक करता है, नीचे से भी। ये sp2 कार्बन है, ये कैसा होता है? प्लेनर। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, फिर फास्ट स्टेप होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो, ये फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था, ठीक। अब देखो, इसमें हमने टाइप वन में रिएक्शन के एग्जांपल में पहले पढ़ा था एडिशन ऑफ HCN या फिर KCN, ठीक है, एडिशन ऑफ HCN या फिर KCN। दूसरा पढ़ा था हमने एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ NaHSO3, ठीक। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। हेडिंग डालो थर्ड, मतलब टाइप वन जो था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें हम थर्ड पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का क्या मतलब हुआ? ऑब्टेन फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन से पढ़ने हैं हमें? NH2OH, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेमीन। ये सारे नाम याद होने चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिलेमीन, ठीक। फिर देखो NH2 NH2, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन। ये और कहाँ पढ़ा था याद करो? वुल्फ किशनर में पढ़ा था, ठीक है। तीसरा देखो, ये हाइड्राजीन था, इसमें ये लगा दिया फिनाइल ग्रुप, ये क्या हो गया? फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक, ये देखो, अब यही देखो, अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, अब इसका नाम क्या हो गया? 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। इसको 2,4-DNP भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं ब्राडीज रिएजेंट, ठीक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेमी कार्बोजाइड। इन सबके नाम आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। इसमें तो आपको याद करने में कोई कमी कर ही नहीं सकते, ठीक। इन सबको दे कैन बी कॉमनली रिप्रेजेंटेड एज दिस NH2G,
ये देखो इसमें ये जी हो गया, इसमें ये जी हो गया, इसमें ये जी हो गया, इसमें ये जी हो गया और इसमें ये जी हो गया, ठीक है। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ऑर्गेनिक में डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। ऑर्गेनिक में डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है कि जो कि हम किसी चीज से ऑब्टेन्ड करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया यानी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। अब देखो इनकी रिएक्शन कैसे होती है, पहले तो ट्रिक से इसको सीखो, मैकेनिज्म सिखाऊंगा, लेकिन इसमें ये ऐसे ही पानी निकालना है, ठीक है। H प्लस कैटलिस्ट, ठीक। ये क्या है भाई, एल्डिहाइड या कीटोन, और ये क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखो, चलो मैकेनिज्म बाद में करेंगे क्योंकि मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। बगैर मैकेनिज्म के सारे सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक। एक काम करो, सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड की इन पांचों से रिएक्शन कराओ, जैसे मैं करा देता हूं। ये देखो एसिटाल्डिहाइड है, एक कराता हूं मैं, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड प्लस ये देखो, ये क्या है, हाइड्रोक्सिलेमीन, ये वाटर निकालो, एच प्लस कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें ध्यान रखना पीएच स्लाइटली एसिडिक रखते हैं, 3 to 5, ठीक। ये देखो ये क्या बन गया, ऑक्साइन, ये हाइड्रोक्सिल एमीन था और ये क्या है, ऑक्साइन। याद करो, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, याद करो, सिन और एंटी बनता था, याद है, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अभी उस पर आएंगे। अब एसिटाल्डिहाइड की पांचों के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक। एसिटाल्डिहाइड की पांचों के साथ रिएक्शन कराओ, पहले एसिटाल्डिहाइड की कराओ पांचों के साथ, फिर सबकी बेंजाल्डिहाइड की कराओ और फिर एसीटोन की कराओ, जिससे नाम याद हो, ठीक है। तो पहले एसिटाल्डिहाइड का की करा के पहले देखो इन सबके नाम जो बन रहे हैं उनका नाम कैसे बनता है, ठीक है। और ये भी देखना जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है कि नहीं, ये भी आपने देखना है, करिए। चलिए मैं इन सब की कराता हूँ, ये देखो जैसे ये क्या था, इसका नाम सबको आपको याद होना चाहिए, हाइड्राजीन, ठीक है। एच प्लस कैटलिस्ट, ये वाटर निकालो, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन से क्या बनेगा, हाइड्राजोन, ये हाइड्राजीन है तो इस मतलब यहां ये और ये कुछ भी लगाओ, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राजोन ही बोलेंगे,
हाइड्राजोन, ठीक है। जैसे ये जनरली फंक्शनल ग्रुप ऑक्साइन था और इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसीटॉक्साइन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, क्या बोलते हैं, एसिटल हाइड्राजोन, ठीक। ये हाइड्राजोन बन गया हाइड्राजीन से। तीसरा क्या बताया था आपको मैंने, फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये देखो, इसको क्या बोल देंगे, फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। ये हाइड्राजोन और ये क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। ये फिनाइल हाइड्राजोन और ये हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन, अच्छा। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, नीट में आ चुका है कि इसमें इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकलेगा कि इस नाइट्रोजन से। अगर ये कभी भी आ जाए तो ध्यान रखो, ये वाला लोन पेयर वाला नाइट्रोजन नहीं रिएक्ट करेगा, ये वाला नाइट्रोजन के पास से रिएक्शन होगी। क्यों, इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। भाई ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये देखो, अगर मैं कहीं और बनाऊं, ये देखो, ये वाला लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इट इज लेस रिएक्टिव क्योंकि ये मोर स्टेबल है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा वो लेस रिएक्टिव है, वहां से एच नहीं निकलेगा, यहां से एच निकलना है, यहां से इसीलिए नहीं निकलना। ये देखो, अब इसी तरह ये नाइट्रोजन के एच भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये रेजोनेंस में है, तो यहीं से निकलेगा। ये क्या था, 2,4-DNP, DNPH, या फिर ब्राडीज रिएजेंट। ये क्या है भाई, ब्राडीज रिएजेंट। अब देखिए इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, मैं यहाँ छोटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, छोटे फॉन्ट में लिखना जिससे आ जाए। इसको ब्राडीज रिएजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड क्या हो जाता है, ऑरेंज, रेड या फिर येलो कलर, इससे जो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट मिलता है, ये ऑरेंज, रेड या येलो कलर है, यानी दिस रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अदर कंपाउंड, यानी इसका यूज कर सकते हैं किस चीज में, दिस रिएजेंट कैन बी यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अनदर रिएजेंट, ठीक है ना। तो ये देखो, अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्यों, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये शो करेगा, ये और ये अलग हैं, नाइट्रोजन में लोन पेयर एक है और ये अलग है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये करेगा क्या, हाँ, ये और ये अलग हैं, नाइट्रोजन में लोन पेयर है एक, ये शो करेगा। ये करेगा क्या, ये वाला, हाँ, क्योंकि ये देखो इसमें ये और H अलग हैं और नाइट्रोजन में लोन पेयर एक ये है और एक ये है, तो ये सारे ही कंपाउंड क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब मैं चाहूंगा आप बेंजल्डिहाइड का भी करो इन सब के साथ, और फिर एसीटोन का करो जिससे कि आपको याद हो जाए, ठीक है, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन सबका करो। जैसे भाई एग्जाम्पल 2 बेंजल्डिहाइड करोगे तो बेटा याद हो जाएगा। अब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ सीधे, PHCHO प्लस क्या है, हाइड्रोक्सिलेमीन, ये बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। इसको सिंपली क्या बोल देंगे, बेंजल ऑक्साइम, ठीक है, बेंजल ऑक्साइम।
ये है प्लस, ये क्या है हाइड्राजीन, ये वाटर निकलेगा ये क्या बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है फिर इसी तरह ये देखो फिर ये देखो NH2 इधर फिनाइल हाइड्राजीन ले लो। ठीक है ये सारे बनाइए इसी तरह एसीटोन वाले भी सारे बनाइए। ठीक ये सारे आपने बनाने हैं। ठीक है मैं कुछ अच्छे एग्जांपल ले रहा हूँ। इसके बाद मैं मान रहा हूँ कि आप ये बेंजल्डिहाइड के साथ सारे बना लोगे, एसीटोन के साथ बना लोगे, बार बार नाम लिखोगे जिससे आपको याद हो। ठीक है बनाओ। जो कंपाउंड बनेगा उसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, ये भी वन मोल वाला नहीं करना आपने, वन मोल वाला करेंगे आफ्टर टॉटोमेरिज्म। वन मोल वाला आपने अभी नहीं करना है, वन मोल वाला कब करेंगे आफ्टर टॉटोमेरिज्म। अभी आपने केवल एक्सेस वाला करना है। और ये मेडिकल वालों के लिए नहीं है, चाहे तो वो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपको बताना भी है कि कितने आइसोमर बनेंगे। ये देखो ये OH, ये OH, ये देखो इसको इसको देखो, ये जो इलेक्ट्रिकली एक्टिव है ये अलग, ये वाला अलग। ठीक है ये तो अलग है, इसके दो हो जाएंगे एक E एक Z इसके। ठीक फिर इसके देखो, इसके भी ये भी अलग अलग है भाई, तो ये भी एक E होगा एक Z होगा, यानी चार हो जाएंगे। इसके E के साथ इसका E, इसके E के साथ इसका Z, इसके Z के साथ इसका E, इसके Z के साथ इसका Z, तो टोटल चार है इसमें। ये बताओ एक्सेस में इसमें भी यही बन जाएगा। ये देखो इसमें भी कितने आइसोमर बन जाएंगे, चार आइसोमर। इसमें बताओ इसमें ये बन जाएगा, इसके कितने आइसोमर बनेंगे, अच्छा ये बताओ, ये बहुत टफ हो जाएगा। देखो याद करो, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होता था, ज्योमेट्रिकली नहीं होता था, लेकिन जब तीन आ जाते थे तो ज्योमेट्रिकल हो जाता था। 1 3 5 वाला इसको ऐसे मान सकते हो सिंपली यू, समझे ना। तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, कौन कौन से, OH OH सेम साइड और OH OH अपोजिट साइड, केवल दो आइसोमर। ये देखो ये तीन वाला हो गया, आपको बताया था इस रिंग को क्या मान सकते हो, एक डबल बॉन्ड मान सकते हो, तो ये बेसिकली देखो ऐसा हो गया। अब ये सब मेरा कराया हुआ है आपको, ये देखो इस कंपाउंड के कितने आइसोमर बनेंगे, तीन। ये देखो ये सिमेट्रिकल है,
इसके कितने बनेंगे, तीन, सॉरी दो, एक में OH OH सेम साइड, इसको जब ये आ जाए डबल बॉन्ड तीन, तो इसको एक ही डबल बॉन्ड मान सकते हो, सीधी सी बात है, ये ट्रिक होती है आपको बताया था, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में, ये क्वेश्चन खैर मेडिकल के लिए बहुत टफ होते जा रहे हैं, मेडिकल वाले छोड़ दें इसे, ये दोनों बताओ। इसमें कितने बनेंगे, इसमें तीन ही आइसोमर बनेंगे, क्यों, ये देखो ये कट रहा है यहां से, सिमेट्रिकल है, तो देखो एक ई दूसरा भी ई, एक जेड दूसरा भी जेड, और ई जेड और जेड ई, ये दोनों क्या होंगे, सेम, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने बनेंगे, तीन आइसोमर्स, इसका बताओ। बताओ इसमें कितने बनेंगे, देखो इसको एक पोजीशन पे फिक्स मान लो, ठीक है, सपोज इसको हमने फिक्स कर दिया, ठीक, इसको हमने फिक्स कर लिया ई, ठीक। अब ये जेड, चलो अच्छा इसमें सोचो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे और मुझे बताओ, ठीक है। अब एक चीज मेडिकल वाले वापस आ जाए कि ऑक्साइम में हमें दो चीजें पढ़नी है, क्या, एक हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा हमें क्या पढ़ना है, बेकमैन रीअरेंजमेंट, एक हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्साइम का, एक हमें पढ़ना है बेकमैन रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल के मैं ले लेता हूं, ये क्या है, बेंजल्ड ऑक्साइम, ठीक, ये देखो ठीक। अब इसमें देखो H और OH सेम साइड है, ये क्या है, सीन आइसोमर, H OH अपोजिट साइड है, ये क्या है, एंटी आइसोमर, ये सीन है ये एंटी है, ठीक है। तो ऑक्साइम में ये देखो ये वाला सीन होता है, ये वाला एंटी होता है, दूसरा बेकमैन रीअरेंजमेंट है, ठीक है। डिटेल में तो एडवांस के लिए पढ़ेंगे, अभी के लिए बस थोड़ा सा जान लो, मेडिकल वाले और जेई मेंस के लिए इतना बहुत है, बेकमैन रीअरेंजमेंट, चलो मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब देखो कंसेंट्रेटेड H2SO4 या फिर PCl5, तो क्या करो, इसमें ट्रिक क्या है, इसको जो OH के एंटी है, जो OH के एंटी है उसको यहां शिफ्ट करो,
ठीक है, और इसको एक तरीके से यहां शिफ्ट कर दो। देखो यहां पर OH की जगह यहां पर क्या कर दो, डबल बॉन्ड हो, ठीक, फिर यहां पर NH और ये PH, ये देखो ये क्या बन जाएगा, एसिड एमाइड। फिर से देखो, नहीं समझ आया सर, ये देखो ये दूसरा एग्जांपल, ये देखो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो जो OH के एंटी वाला है इसको यहां शिफ्ट किया, OH को यहां शिफ्ट किया, लेकिन OH को कैसे मानेंगे, डबल बॉन्ड O, तो PH C डबल बॉन्ड O, फिर यहां NH CH3, ठीक है। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू, चलो इनका कराओ, बैकमैन रीअरेंजमेंट इसका, इसका और इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कराओ, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 या PCl5 के साथ, OH के एंटी वाला ग्रुप इधर आया, OH इधर आया, तो CH3CH2 इस पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O और ये NHPH, ठीक। मान लो इस बार यहां पर ET है, यहां पर PH है, ये ET इधर आएगा, ये OH इधर आएगा, तो PH C डबल बॉन्ड O NH ET, ठीक है। तो ये देखो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग अलग बनेगा, इसमें लिख लो OH के NT वाला ही माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेशन कौन करेगा, जो OH के NT वाला होगा, लिख लो OH के NT वाला ही माइग्रेट करता है, अब लिखो नोट इन रिएक्शंस के बारे में, कुछ नोट, नोट वन लिखो, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, only aldehyde and ketone reacts with ammonia derivatives only aldehyde and ketone reacts with ammonia derivative in this manner, other functional group do not react with ammonia derivatives, other functional groups do not react with ammonia derivatives, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अरे इसी में लिखो आगे, पैराग्राफ चेंज करके, हेंस दीज रिएक्शंस कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश, हेंस दीज रिएक्शंस कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश, these reactions can be used to distinguish aldehyde and ketone from other functional groups, aldehyde and ketone from other functional groups, fill line change karke likho, especially Brady's reagent 2,4-DNPH is used for identification of aldehyde and ketone, is used for identification of aldehyde and ketone, क्यों भाई,
ये देखो ब्राडीज रिएजेंट क्या था, ये देखो 2 4 1 2 3 4, ये देखो ये वाटर निकलता था, इधर बनाओ या इधर बनाओ, तो ये क्या दे देगा, ऑरेंज रेड या फिर येलो कलर। ठीक है, ये क्या है, ब्राडीज रिएजेंट। टू फोर डी एन पी एच, ठीक, ये कलर मिल जाता है इसलिए बहुत इजीली हम ये पहचान सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अमोनिया डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कैन इजीली बी डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन, कैन इजीली बी डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिडिक कंडीशंस। ये देखो ये है, इसको H3O प्लस करा दो, ये लिख लो या फिर क्या लिख लो, सीधे H3O प्लस, इस पे डेल्टा प्लस है डेल्टा माइनस है, ये करोगे इसको दो ओ एच माइनस दोगे, इसको दो एच प्लस दोगे, तो दो ओ एच माइनस दोगे यानी डब दो ओ एच आएंगे, दो ओ एच आएंगे तो वाटर निकाल दोगे, क्या बन जाएगा ये प्लस, ये क्या बन जाएगा NH2G। ठीक है, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट इज रीऑक्टेंट, ओरिजिनल प्रोडक्ट इज रीऑक्टेंट, दो पॉइंट हो गए। ठीक है कि भाई इसको आइडेंटिफिकेशन में, और तीसरा ही है। अब देखो तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कई बार पूछते हैं कि ये देखो फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक, टू फोर डी एन पी और सेमी कार्बाजाइड, ये नीट में कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसमें से किस नाइट्रोजन से एच निकलेगा यानी कौन सा नाइट्रोजन रिएक्टिव होगा। तो ये देखो इन दोनों में ये क्या है, मोर स्टेबल, क्योंकि स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेस न्यूक्लियोफिलिक। लेस न्यूक्लियोफिलिक का मतलब इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम है, ये नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो मोर रिएक्टिव, यानी इसको क्या लिखोगे, मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या हो जाएगा, लेस न्यूक्लियोफिलिक। इसी तरह ये भी देखो रेजोनेंस में है, मोर स्टेबल है, ये क्या हो जाएगा, लेस न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या हो जाएगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो यही अटैक करेगा, इधर भी यही अटैक करेगा। अब इन दोनों में देखो, तो ये भी क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये भी क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो ये दोनों ही क्या है, लेस न्यूक्लियोफिलिक, तो कौन अटैक करेगा, ये क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक, यही अटैक करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नीट में तीन बार आ चुका है, दो या तीन बार, कि कौन अटैक करेगा, तो ध्यान रखना ये वाले अटैक करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कभी आया नहीं और आ सकता है, कि जैसे कि मान लीजिए ये इन तीनों नाइट्रोजन में ऑर्डर में लगाओ कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ए बी सी, तो ऑब्वियस सी बात है ए ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है बी और सी से, बी और सी लेस न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि बी और सी क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो लेस न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या, मोर न्यूक्लियोफिलिक। अब इन दोनों में बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, देखा जाए रेजोनेंस तो सेम है लेकिन इन दोनों में ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसको बगल वाला लोन पेयर क्या कर रहा है, रिपल्शन, तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये वाला जो है ये इससे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। आंसर हो जाएगा ए बी सी,
न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मेन हो गए इसके तीन पॉइंट। ठीक है, अब देखो तीन पॉइंट इसके हो गए मेन। अब मैं इसकी करा रहा हूं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मेडिकल वाले लिखे नहीं, लेकिन एक बार बस देख लें। अब मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है, इसमें NH2G की करानी है, तो ये लोन पेयर से अटैक करेगा। लोन पेयर से अटैक करेगा तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ने की जिम्मेदारी इसकी हो जाएगी। तो लोन पेयर में इतनी दम नहीं होती, वो उतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता है। तो आसान तरीका क्या, याद करो आपको बताया था कार्बोनिल को आसान करना है, उसको H+ दे दो। जब ये H+ हो जाएगा तो ये देखो ये अटैक करेगा, ये टूटेगा, तो ये माइनस क्या करेगा H+ रहेगा, ये बन जाएगा। अब NH2G बहुत आसानी से यहाँ अटैक कर देगा, ये देखो तो क्या बन गया RCHOH, ये देखो। और जैसे वाटर में जब भी वाटर ऐसा न्यूक्लियोफाइल आता था, एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाता था। क्या एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाता था कि ये निकल जाता था, क्या बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या बढ़ जाता था, एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ जाता था भाई कि अरे यार H+ निकल जाता था, तो अगले स्टेप में H+ निकलेगा। तो समझ लो ये H+ निकल गया, ठीक, तो ये H+ ऐसे निकलता है, ये देखो ये जो H है और ये जो OH है ये निकल गया इससे, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, RCH double bond NH+ और G, फिर ये H+ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा RCHNG, ठीक। तो अब देखो इसमें हमें pH बहुत ज्यादा कंट्रोल करनी पड़ती है। pH पहली बात तो ये इसका प्रोटोनेशन कराया H+, pH इसमें रखते हैं 3.5। प्रोटोनेशन से क्या होगा भाई, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऐसे ही बेकार है, अटैक करके इस पाई बॉन्ड को तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हमने उसको सुविधा दी। सुविधा क्या दी, उसको H+ दे दिया, इसने अटैक किया ये बन गया, ठीक है, फिर ये यहाँ पर अटैक कर लेगा। तो लिखो इसके बाद कि डाइल्यूट H+ इज गिवन फॉर प्रोटोनेशन, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ C double bond O। जैसे लिखो प्रोटोनेशन हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ C double bond O प्रोटोनेशन हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ C double bond O, ठीक है, ड्यू टू विच पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस, सो दैट नाइट्रोजन कैन अटैक इजिली। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो। तो क्वेश्चन ये है कि सर स्लाइटली एसिडिक क्यों रखते हो, ज्यादा एसिडिक क्यों नहीं रख देते हो, तो उसका रीजन है। तो लिखो अब इसी में, इसके बाद चाहो तो क्वेश्चन लिख लो कि वाई ओनली स्लाइटली एसिडिक मीडियम इज प्रोवाइडेड,
भाई ज्यादा ही अगर H प्लस से रिएक्शन बढ़ा दिए तो खूब सारा H प्लस दे दो, थोड़ा सा ही क्यों दे रहे हो भाई? क्वेश्चन तो ये है ना कि भाई अगर H प्लस से रिएक्शन बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो थोड़ा सा क्यों, पूरा दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो उसमें लिखो, क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद लिखो कि इफ H प्लस इज प्रेजेंट इन एक्सेस, इफ H प्लस इज प्रेजेंट इन एक्सेस इफ H प्लस इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन देन रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिएक्शन ऑफ एच प्लस विल टेक प्लेस विद अमोनिया डेरिवेटिव इटसेल्फ। ये देखो ये भी तो बेस है, अगर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड ले लोगे तो ये खुद ही रिएक्ट कर जाएगा। ये देखो अब ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, नॉट न्यूक्लियोफाइल, और इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, तो लिखो इफ एच प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन एक्सेस देन रिएक्शन विल टेक प्लेस विद अमोनिया डेरिवेटिव इटसेल्फ एंड इट विल देन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल देन नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम स्लो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एच प्लस। फिर लाइन चेंज करके लिखो कि एट पीएच इक्वल टू 3.5 रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, एट पीएच इक्वल टू 3.5 रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, देखो बिलो दिस पीएच H प्लस कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, हेंस रिएक्शन बिकम स्लो। ठीक है, तो अब इसी में देखो, इसी में हम आगे करेंगे रिएक्शन विद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एम आई। इसी में छोटा सा छोटी सी हेडिंग डालो अमोनिया डेरिवेटिव में, ये रिएक्शन विद अमोनिया 1 डिग्री एम आई एंड 2 डिग्री एम आई। ठीक है, तो इसमें लिख लो दे रिएक्ट लाइक, दे रिएक्ट लाइक NH2G टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दे रिएक्ट लाइक NH2G टाइप ऑफ कंपाउंड्स। देखो पहला विद अमोनिया, ये बस वाटर निकालना है, इसमें हीट करना पड़ेगा बस, तो वाटर निकालोगे ये बन जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दो, निकल पैलेडियम प्लेटिनम के साथ। ठीक है, क्या बन जाएगा, 1 डिग्री है भाई। ठीक, इसके लिए कोई भी हो, एल्डिहाइड हो या अगर यहां पर, या कीटोन भी हो, तब भी 1 डिग्री एम आई नहीं बनेगा। चलो इसकी कराओ रिएक्शन, अमोनिया के साथ हीट करो, फिर करो कराओ भाई। तो देखो ये बन जाएगा, उसके बाद H2 भी निकल पैलेडियम प्लेटिनम। ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एम आई।
अब अमोनिया के साथ क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन। अब देखो विद 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करो तब क्या होगा, देखो एल्डिहाइड और कीटोन है, ये हो गया 1 डिग्री अमाइन, ठीक, ये वाटर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं ई माइन, शिफ्ट्स बेस, ठीक है। अब इसको H2 विद निकल पैलेडियम प्लेटिनम करोगे, ये बन जाएगा, ये क्या है 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बेंजल्डिहाइड की मिथाइल अमाइन से कराओ या एसिटोफिनोन की, पहला एग्जाम्पल एसिटोफिनोन की कराओ मिथाइल अमाइन से, दूसरा एग्जाम्पल बेंजोफिनोन की कराओ एनिलीन से, और वही फिर H2 निकल कराओ भाई, देखो एसिटोफिनोल, ये वाटर निकालोगे, ठीक है, तो ये सी डबल बॉन्ड एन सी एच थ्री, और यहां पर क्या है CH3, ठीक है। इसकी करा दो H2 विद निकल पैलेडियम प्लेटिनम, इसको पीएच लिख दो, पीएच तो ये हो जाएगा CH NH CH3, ठीक, बेंजोफिनोन की एनिलीन से PHCOPH, ठीक, एनिलीन क्या होगा भाई NH2PH, ठीक है, ये वाटर निकलेगा, क्या बन जाएगा PHCPH डबल बॉन्ड NPH, इसकी H2 निकल से तो PHCH PH, NH, PH, ठीक। तो ये देखो सब में अंत में क्या मिला, 2 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट्स बेस, शिफ्ट्स बेस ध्यान रखना, शिफ्ट्स बेस और शिफ्ट्स रिएजेंट ये क्या होते हैं, डिफरेंट। शिफ्ट बेस और शिफ्ट रिएजेंट क्या होते हैं, डिफरेंट, ठीक है। अब देखो टू डिग्री अमाइन के साथ, ठीक है, तो 2 डिग्री अमाइन के साथ देखो एग्जांपल, जैसे मान लो ये है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, वाटर तो निकल नहीं पाएगा, 2H होने चाहिए, तो ऐसा पढ़ो, समझो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो ये डेल्टा माइनस यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाए, ओ माइनस और ये प्लस बना, तो इस माइनस पर यहां का H प्लस दे दो, तो बन गया OH, इस प्लस पे यहां का नाइट्रोजन दे दो, ये, फिर क्या करो, ये OH और यहां से, और ये OH और यहां से H रिमूव कर दो, इसको क्या बोलेंगे,
ऑप्शन नहीं समझ में रहा, गंदा हो गया। देखो फिर से भाई, ये देखो एसीटोन प्लस NH, ये 2 डिग्री एम आई ने, एच इसको दो, नाइट्रोजन यहां लगाओ, ये पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ो, हीट ठीक है। तो ये मान लो इसको हमने सीधे बना दिया OH, यहां पर ये आ गया नाइट्रोजन ठीक, और ये हो गया R, ये हो गया R, फिर ये OH अल्फा से OH और ये किसी भी बीटा से H, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड आ गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है, अल्फा बीटा में क्या है, पाई बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, इनामाइन, इसको क्या बोलते हैं, इनामाइन। तो सर ये बड़ा मिक्स हो गया, देखो फिर से एल्डिहाइड या कीटोन ठीक, अमोनिया से कराओगे ठीक है, उसके बाद एस टू निकल, तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन से कराओगे तो ये मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट बेस। फिर इसकी एस टू निकल तो क्या मिलेगा, 2 डिग्री एमाइन ठीक, और इसकी अगर 2 डिग्री एमाइन से कराओगे तो क्या मिलेगा, इनामाइन। इनामाइन क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमाइन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना करिए, फिर अभी इसकी 2-3 लेक्चर बचे हैं। अरे हाँ, इसमें लेकिन एक चीज मैं और बता दूंगा पहले आपको, फिर करते हैं। स्पेशल रिएक्शन हेडिंग डालो, स्पेशल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। अमोनिया को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करते हैं अगर, तो ये बन जाता है हेक्सा मिथाइलीन। CH2 को क्या बोलते हैं, मिथाइलीन, तो हेक्सा मिथाइलीन, टेट्राएमाइन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपीन। ये क्या होता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, ये 4 नाइट्रोजन वाला ऐसे ठीक है, तो 6 हो गए कार्बन, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, चौथा CH2, पांचवा CH2, छठा CH2 ठीक। इसमें सारे नाइट्रोजन और कार्बन की ऑर्डिनेशन क्या है, sp3। अब यही यूरोट्रोपीन को, ये यूरोट्रोपीन है, ये NCERT में रिएक्शन दी है, HNO3 के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा, RDX। RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ये देखो ये होता है RDX, ये इसका शेप कैसा बनेगा, ये देखो ठीक, सबको खोल दो, यहां पर सारे नाइट्रोजन को क्या दे दो, NO2, क्या बन गया आपका, RDX ठीक है। तो ये लिख लेना, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स ठीक। तो ये आपकी हो गई, और इसके बाद फिर हम आगे करेंगे, आगे इसमें 3-4 लेक्चर तो भी लगेंगे ठीक है भाई। थैंक यू, ये रटने वाला ही था यार लास्ट पोर्शन जो है ठीक है।